गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। माय सेल्फ पटेल दीक्षिता एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टडीज चैप्टर नंबर 20। हुज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मींस जंगल। हुज फॉरेस्ट मींस ये जंगल किसका है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द चैप्टर। डॉटर ऑफ द जंगल, डॉटर मीन्स गर्ल, ऑफ द जंगल, जंगल मीन्स फॉरेस्ट, सो डॉटर ऑफ द जंगल। लुक एट द पिक्चर, वेयर डू यू थिंक दीज चिल्ड्रेन आर ऑफ टू। विथ लिटिल बंडल्स ऑन देयर स्टिक्स, वेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वॉन्ट टू गो विथ देम। सो फ्रेंड्स, look at here, these girls are going with these little bundles or then sticks means shoulders, stick means this is stick, and stick ko kahan pe rakha hai, shoulders pe, and wo ek chota sa bundle उनकी स्टीक पे हैंग करके वो जा रही है। सो व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विद देम, क्या आप ये फाउंड आउट कर लोगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो आप उनके साथ जाना चाहोगे। यस, द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। ये सब कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। देयर They jump, run, climb trees and sing songs in their language called kuduk. So friends, what is kuduk? Yes, songs in their language are kuduk. So ye girls, ye children फॉरेस्ट में जाके क्या क्या करते हैं, जंप करते हैं, रन करते हैं, क्लाइंब ट्रीज पे चढ़ते हैं, एंड उनकी लैंग्वेज में सॉन्ग गाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, कुडुक। ओके, देन दे पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स टू वीव देम इनटू नेकलेसेस। दे एंजॉय द वाइल्ड फ्रूट्स, दे लुक फॉर बर्ड्स हुज कॉल्स दे इमिटेट। Joining them in all this fun is their favorite vidhi, Suryamani. So friends, look at here. This is the child's favorite vidhi. Its name is Suryamani. And what is children do in forest? They pick the fallen flowers and leave. वो क्या करते हैं? जो leaves and flowers फॉलन हो गए हैं, मीन्स गिर गए हैं, उनको पिकअप करते हैं, लेते हैं, एंड उनका नेकलेस बना के उन्हें वियर करते हैं, पहनते हैं। दे एंजॉय द वाइल्ड फ्रूट्स, ओके, वो वाइल्ड फ्रूट्स खाते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, एंड बर्ड्स की जो सिंग, बर्ड्स जो सिंग करते हैं, जिसे बोलते हैं इमिटेट, जो साउंड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इमिटेट। सो उनके साथ वो भी इमिटेट करते हैं। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। एज दे मूव अराउंड सी शोज देम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज, द प्लांट्स एंड एनिमल्स। चिल्ड्रन एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट। सूर्यमणि ऑलवेज सेज To learn to read the forest is an important as reading books. So friends, please underline what is line of Suryamani's. Suryamani always says to learn to read the forest is as important as reading books. जिस तरह से हम book read करते हैं उस तरह से forest को भी read करना बहुत ही important है. And every Sunday Suryamani children's को एक एक्स्ट्रा क्लास में ले जाती है। कहाँ पे? यस, फॉरेस्ट में, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं,
एंड एनिमल्स होते हैं तो उनको कैसे रिकग्नाइज करना है, कैसे पहचानना है, वो सूर्यमणि उनको सिखाती है. देन शी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपल मीन्स आदिवासी. Our lives are linked to the forest. If the forest are not there, we too will not remain. So friends, what is forest? Forest kya hota hai? No. It is not only thousands of trees, but forest means many trees, many plants. Then many animals are live in the forest and collect with each other for food and some medicines. Okay, so manure एक दूसरे पे वो क्या होते हैं, dependent होते हैं. कौन? Trees, plants, animals and also human. So सूर्यमणि says we are forest people means आदिवासीज. वो लोग क्या है? आदिवासीज. आदिवासीज means forest people. Our lives are linked to the forest. उनकी life इनसे connected है, linked है forest से. If the forest are not there, we too will not remain. अगर यहाँ पे forest नहीं रहेगा तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे. Now move to the next page. Look at here, discuss. What do you think is a forest? आप forest के बारे में क्या सोचते हो? What is forest? Only planting thousand of trees? No, only planting thousand of trees does not make a forest. So, relationship between plants, trees and animals are the forest. If some grew lots of trees close to each other, would these become a forest? क्या बहुत सारे trees को एक दूसरे के close plantation करने से forest बन जाएगा? No, it's not become a forest because forest is the relationship between plants, trees, animals. And to see how they depend on each other for food, security and habitat. Okay, means बहुत सारे ऐसे animals हैं जो कि forest से उनको अपना food मिलता है. Then habitat means उनको forest उनको रहने के लिए घर provide करती है, house provide करती है, एक residential provide करती है. So this is forest, not only grew a lot of trees. Okay, now find out and write. Other than trees, what all is there in a forest? Other than trees, what all is there in a forest? क्या सभी टाइप के trees forest में available होते हैं? Do all forests have similar types of trees? No. How many trees can you identify? So friends, all forests have not similar type of trees. Many forests have similar types of trees, but many forests do not have similar type of trees. It's different type of trees in the forest. And how many trees can you identify? So, बहुत सारे ऐसे trees forest में होते हैं जो कि हम identify कर सकते हैं. Like शीशम, देवदार, नीम, then बनियान trees, गुलमोहर्स. Okay, so बहुत सारे ऐसे trees होते हैं फॉरेस्ट में जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे ट्रीज भी होते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. नाउ सूर्यमणि सेज इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन. व्हाई सो? मींस दिस पीपल इज फॉरेस्ट पीपल. सूर्यमणि एंड The people of this group is all are forest people means आदिवासी. So
Adivasis are depend on forest for food, wood, medicines and many other things. And all are provided by forest, and that's why if forest are not there, Suryamanis and many people will not remain there. Okay. Now the next topic is growing up. Suryamani loves the forest. Since she was a child, she would not take the direct road to school but would choose the path through the forest. So Suryamani जब से चाइल्ड थी, छोटी थी, तब से उनको फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा लगता था. वो फॉरेस्ट को बहुत ही लव करती थी, उनको बहुत ही पसंद था. एंड सी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल. वो डायरेक्टली जो पाथ रोड स्कूल में जाता था वहां से नहीं जाती थी. वो कौन सा पाथ सिलेक्ट करती थी जो फॉरेस्ट से होके स्कूल में जाता था. सूर्यमणि's फादर हैड अ स्मॉल फील्ड. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell these in the bazaar. So Suryamani's father are farmer and he had a small field. So Suryamani's family used to collect leaves and herbs from the forest. What means herbs? Herbs means medicinal plant, जो कि हम medicinally use करते हैं. So Suryamani's family used to collect leaves and herbs from the forest and sell in the bazaar, means market. Her mother would weave basket from bamboo or make leaf plates out of the fallen leaves. So, what is work of Suryamani's mother? She would weave basket from the bamboo. वो किसके baskets बनाती थी? Bamboos के. And make leaf plate. Friends, do you know we about leaf plates? क्या आपने leaf plates देखी है? Leaf plates means बहुत सारे dead leaves को, सूखे पत्ते को collect करके उसमें से एक plate बनाई जाती है. Okay, इस तरह से suppose लीव्स को कलेक्ट करके इस तरह से जॉइंट करके उसमें से क्या बनाई जाती है? एक प्लेट बनाई जाती है जिसे बोलते हैं लीफ प्लेट. क्लियर? बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट. बट अब कोई भी सिंगल लीफ मींस फॉरेस्ट में से एक भी लीव्स को पिकअप नहीं करता. दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर कम देयर. The people of Suryamani's village were afraid of the contractor. Everyone except Buddhiyamai. She would say, "We the people of this forest have a right over it. We look after our forest. We don't cut trees like these contractors do. The forest is like our collective bank, not yours or mine alone. We take from it only as much as we need. We don't use up all our wealth." So then Shambhu bhai, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर थे, वो उनके गांव में आए. एंड सूर्यमणि के जो विलेज के लोग थे वो उनके साथ अफेयर्ड हो गए. बिकॉज बुद्धियामाई कौन थी? बुद्धियामाई को सभी ने एक्सेप्ट किया एंड कॉन्ट्रैक्टर के साथ अफ्रेड हुए. बिकॉज बुद्धियामाई क्या बोलती थी कि फॉरेस्ट जो है वो उस पर हमारा हक है, राइट है. एंड वी लुक आफ्टर ओवर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर्स डू. सो हम अगर हमारे फॉरेस्ट को देखें तो हम हमारे फॉरेस्ट को कट नहीं करेंगे जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्टर्स फॉरेस्ट के ट्रीज को कट कर रहे हैं. ओके. एंड फॉरेस्ट इज लाइक ओवर कलेक्टिव बैंक. व्हाई? सी सेड टू फॉरेस्ट कलेक्टिव बैंक, बिकॉज
forest give to him food, wood, medicines and many other things to living. Okay, so we move to the next page. Suryamani's father could no longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work, but things did not improve. Sometimes there would be no food in the house. At times, Maniya Chacha, means uncle, would send some grain from his small shop to Suryamani's house. So, Suryamani ke father, jo ki जिनकी फैमिली स्मॉल लैंड पे डिपेंडेड थी, तो वो कहाँ चले गए, टाउन में कुछ वर्क ढूंढने के लिए. बट उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया. एंड कभी कभी ऐसा होता था कि सूर्यमणि के घर में खाने के लिए फूड भी नहीं रहता था. तो उस टाइम मनिया चाचा, जो कि उनके अंकल है, वो उनको कुछ ग्रेन्स उनकी दुकान से सूर्यमणि के घर पे बेच देते थे, जो कि वो एज अ फूड यूज करती थी. चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर. प्लीज अंडरलाइन, सूर्यमणि का एडमिशन कौन से स्कूल में करवाना चाहते थे? बिशनपुर स्कूल में. हियर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, uniforms and books. Suryamani would have to stay here and study. Suryamani didn't want to leave her village and forest, but Maniya Chacha was firm. If you do not study, what will you do? Go hungry. Suryamani would argue, why should I go hungry? The jungle is there to help. Chacha tried to explain, but we are being moved away from our forest. Even the forests are disappearing. In their place, mines are being dug, dams are being built. Believe me, it is important for you to study, to understand about the laws. Maybe then you can help to save our forest. Young Suryamani, listen and try to understand some of what he said. So, Suryamani's uncle, Maniya Chacha, जिन्होंने उनका एडमिशन कौन से स्कूल में कराना चाहा? बिशनपुर स्कूल में, जहाँ पे उनको यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स के लिए फीस नहीं पे करनी पड़ती थी. एंड सूर्यमणि, जो कि उनके विलेज को, उनके फॉरेस्ट को छोड़ना नहीं चाहती थी, लीव करना नहीं चाहती थी, बट मनिया चाचा ने उनको क्या समझाया? इफ यू डू नॉट स्टडी, व्हाट विल यू डू? गो हंग्री. सूर्यमणि वुड आर्ग्यू, व्हाई शुड आई गो हंग्री? द जंगल इज हियर टू हेल्प. ओके, सूर्यमणि ने कहा कि मैं कैसे हंग्री रहूंगी, बिकॉज यहाँ पे जंगल है हमारी हेल्प के लिए. बट चाचा ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये जंगल, जो कि धीमे धीमे डिसअपियरिंग होता जा रहा है, अदृश्य होता जा रहा है. डिसअपियरिंग, ओके, डिसअपियरिंग, अपियरिंग मीन्स देखना, एंड डिसअपियरिंग मीन्स दिखाई देना, बंद हो जाना, मीन्स अदृश्य हो जाना. सो जंगल कैसे अदृश्य हो सकता है? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर इज कट द ट्रीज alternately and the forest are disappearing and their place mines are being dug and dams are being built. So jungle ki jagah pe dams banne wala tha. And Maniya Chacha ne unko kya explain kiya, kya samjhaya, ki agar tum study karoge and laws ke bare mein understand kar paoge, to आप हेल्प कर सकते हो फॉरेस्ट को सेव करने में. ओके, तो उसके बाद सूर्यमणि ने उनको अंडरस्टैंड किया. नाउ थिंक एंड राइट. डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट? क्या है? आप भी सूर्यमणि की तरह किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को लव करता हो? द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमणिज पीपल टू गो इन टू द फॉरेस्ट. वाई? सो सूर्यमणि के जो पीपल थे, उनको कॉन्ट्रैक्टर फॉरेस्ट में नहीं जाने देता था. बिकॉज वाई?
because conductor are cut the trees for make their dams and dugs. Okay, so because of contractor did not allow Suryamani's people to go into the forest. Now, is there any place around your area which you feel should be open to everyone but where people are not allowed to go? So, आपके आसपास ऐसा कोई एरिया है जहाँ जो कि ओपन एरिया हो एवरीवन के लिए, सभी के लिए, बट जहाँ पे पीपल को जाना, लोगों को जाना अलाउड नहीं हो, ऐसा कौन सा एरिया है? Now, discuss. Who do you think the forest belongs to? Budhyamai said, forest is our collective bank, not your or mine alone. There are other things which are our collective wealth. So if someone uses more, everyone would suffer. So friends, Budhyamai said, forest is our collective bank because many objects like foods, woods, medicines and other things are collect in the forest. The Adivasis collect food from the forest. So, forest is Adivasis collective bank. Now, move to the next page, Suryamani's journey. Suryamani was filled with joy on seeing the school at Bisanpur. The school was near a thick forest. Suryamani studies hard and passed her BA after getting a scholarship. So, Suryamani कौन से स्कूल में गई? बिशनपुर. एंड जो कि एक थिक फॉरेस्ट, बहुत ही घना जंगल था, उसके पास थी. Suryamani studies hard and passed her BA. BA means Bachelor of Arts. एंड उनको स्कॉलरशिप भी मिली बीए पास करने के लिए. सी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस. व्हाइल सी वॉज इन कॉलेज सी मेट वसावी दीदी, अ जर्नलिस्ट. Suryamani soon joined her to work for the Jharkhand Jungle Bachao Andolan movement to save the forest of Jharkhand. So, जब उनका BA कंप्लीट हो गया तो वो किससे मिली? वसावी दीदी. ओके, एंड Suryamani ने कब किस में ज्वाइन किया? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, मीन्स मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड. दिस वर्क टुक Suryamani टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. हर फादर डिड नॉट लाइक दिस बट Suryamani कंटिन्यूड हर वर्क. नॉट ओनली दैट, सी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल. हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प हर इन दिस वर्क. सो उन्होंने किसके अगेंस्ट, मीन्स फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, जो फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे सिटी डेवलप की जाती है, टाउनशिप की जाती है, उनके अगेंस्ट उन्होंने एक आंदोलन किया. एंड जंगल बचाओ आंदोलन मीन्स सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड के लिए एक आंदोलन किया. उनके फादर ऐसा नहीं चाहते थे बट उनके चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय ने उनकी हेल्प की. Suryamani had another friend Mirchi who stayed with her day and night. Suryamani would share all her thoughts and dreams with Mirchi. Mirchi would listen and say Kiki. So Suryamani की एक और फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड, जिनका नाम था मिर्ची, जो कि उनके साथ दिन रात रहती थी. एंड Suryamani उनके थॉट एंड ड्रीम्स के बारे में मिर्ची से शेयर करती थी. Suryamani had a dream for her Kuduk community. She wanted all her people to feel proud to be Adivasi. So, Suryamani एक ऐसी गर्ल थी जो कि उनकी कुडुक कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती थी एंड जिससे कि उनको भी, वो पीपल्स को भी प्राउड हो कि वो आदिवासी है. नाउ थिंक एंड राइट, डू यू हैव अ फ्रेंड विथ होम यू शेयर एवरीथिंग? क्या आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो?
like your best friend, your mama. Okay, some people have moved so far away from the forest that they can't understand the lives of forest people. Some even call them jungli. Why is it not correct to say these? Because there are not jungli. They are people who live for forest, and forest give him all the things he used to live, like wood, food, medicines and other things. And they make medicines from trees. What do you know about how Adivasis live? Write and draw a picture. So, आप कैसा imagine करते हो कि Adivasis कैसे live करते हैं, कैसे रहते हैं? तो आपको एक picture draw करना है, जिसमें कि आप ऐसा explain कर सको कि Adivasis किस तरह से live करते हैं, like उनके houses कैसे होते हैं, उनके wears means कपड़े कैसे होते हैं, वो आपको draw करना है. Then, do you have an Adivasi friend? What have you learned about the forest from her? क्या आपका भी कोई friend Adivasi है? And आपने उनसे forest के बारे में क्या-क्या learn किया है? वो आपको discuss करना है. So friends, I hope you understand today's lecture. And in the next lecture, we are discuss about the next topic. Thank you.